आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हिमाचल को सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए हर नागरिक को स्वच्छता अभियान को कोने कोने में पहुंचाना होगा। यह बात बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बस स्टैंड में सफाई अभियान के दौरान कही। वहीं उन्होंने बस स्टैंड में बने शौचालयों की सफाई का भी निरीक्षण किया, जिसमें वे टॉयलेट की सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आए। स्वच्छता अभियान के तहत प्रयास संस्था द्वारा हमीरपुर बस स्टैंड व उसके आसपास साफ सफाई की गई। इस अवसर पर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने भी साफ सफाई करके इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर को साफ बनाने के लिए झाड़ू भी लगाया और दीवारों पर पेंट करके हमीरपुर को सुंदर भी बनाया। इस दौरान उन्होंने शौचालयों का भी निरीक्षण किया, जिसमें वे सफाई को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए। शौचालयों की खराब हालत और वहां फैली गंदगी व पानी न होने से अनुराग ठाकुर काफी नाराज नजर आए। हम सारी दुनिया को कहते हैं कि हाथ धोए, हमें पानी, अगर पानी नहीं होगा तो लोग सफाई क्या करेंगे। पानी तो ऊपर का पानी आ रहा है तो नीचे जो आदमी खड़ा होता है गंदगी लेके सारी बाहर जा रहा है, नहीं तो उसको अभी नाली में बह जा रहा है। आप ये देखो, जहाँ पे हम कहते हैं शौचालय में हाथ धोकर वापस जा, आपके यहाँ पानी नहीं, आदमी हाथ धो के क्या जाएगा जी? पानी का ही हमें समस्या है। किसको बोला आपने आज? मतलब चारण साहब को भी बोले, फिर आज तक नहीं हुआ कर जी? नहीं, कभी थोड़ा सा आता है आधा घंटा, उसमें हमको सफाई पूरा नहीं हो पाता, पानी यहाँ नहीं आ रहा सप्लाई। तो ये पाइपें जब से आपने काम लिया तब से ऐसी हैं टूटी हुई जी? किसी ने नहीं लगवा के दी? नहीं, वो पानी का ही मेन अभी प्रॉब्लम चल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को शौचालयों की साफ सफाई और पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। स्वच्छ हिमाचल रहे, स्वस्थ हिमाचल हो और सुंदर हिमाचल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छता अभियान हर नागरिक इस प्रदेश के कोने कोने में चलाए। प्रयास संस्था ने हमीरपुर बस स्टैंड के सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में आज एक शानदार काम किया है। लगभग 250 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने बस अड्डे की सफाई में आज अपना योगदान दिया। लेकिन जो यहाँ के शौचालय की प्रॉब्लम है, वहाँ पर पानी नहीं, रख रखाव सफाई में, यूरिनल्स में पानी नहीं आता, एक बड़ी समस्या है। अगर व्यक्ति शौच, अगर हम शौचालय जाने के बाद उसके पास हाथ धोने का पानी भी ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। इसको भी हम डिपार्टमेंट के साथ उठाएंगे ताकि बस स्टैंड पर आने वाले हज़ारों लोगों को, यात्रियों को सुविधाएँ मिल पाए, साफ़ सुथरा बस स्टैंड हो और जितने यात्री भी आते हैं वो भी कूड़ेदान का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बाहर कूड़ा ना फैलाएं, तो आम जनता को भी लाभ मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा इकाई हमीरपुर द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का प्रीति गृह पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजयुमो के सभी मंडलों सहित जिला भर के युवा शामिल रहे। बार बार अनुराग जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनसे पूर्व भी कई भाजपा वरिष्ठ नेता भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लगातार 3 बार 7 वर्षों तक युवा मोर्चा को नए आयामों तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ कार्य करने का भी मौका मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारों को प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे को अमलीजामा नहीं पहना पाई है और मात्र कौशल भत्ता का नाम देकर लॉलीपॉप थमाया गया है।
उन्होंने भाजुमो हमीरपुर सहित प्रदेश भाजुमो का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन्हीं की बदौलत उन्हें 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला रैली में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस के मंत्रियों की आपसी फूट भी जाहिर हुई है। मंच पर न बिठाना कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन बाली को मंच पर न बिठाकर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बौखलाहट में दिख रहे हैं और इसी के चलते अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को सफल बनाने में अपना सहयोग करें व डिजिटल इंडिया बनाएं। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह द्वारा उन पर की गई बयानबाजी का भी जवाब दिया। देखिए, कुछ लोगों की समझ थोड़ी देरी से आती है और जिनकी पार्टी के बड़े नेता कोई समझ ना आती हो उनके छुट भैया नेताओं से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अगर किसी को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का अवसर मिला, 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्षों नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और फिर अमित भाई शाह के साथ काम करने का अवसर मिला, तो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं किसको मिला है। और शायद कुछ लोग जमीनी स्तर से नहीं जुड़े होते तो उनकी यही समस्या रहती, वो हवा में रहते हैं, जमीन पर नहीं रहते। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।